मॉर्निंग किड्स वेलकम अगेन इन आवर मैथ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फाइव एफ फाइव एफ के अंदर आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज अरेंज करना है आपको गिवन नंबर्स नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं उनको आपको अरेंज करना है और किस वे से करना है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है तो असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग में इंक्रीजिंग में होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जो ज, जो नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं उनमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है फिर उससे ग्रेटेस्ट उससे ग्रेटेस्ट उससे ग्रेटेस्ट ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपको चले जाना है चलो चूज करते हैं देखिए आपके पास नंबर हैं फिफ्टीन एटीन थर्टीन एंड ट्वेंटी हु इज़ स्मॉलर यस थर्टीन इज स्मॉलर एंड फिफ्टीन सबसे पहले है आपके पास थर्टीन स्मॉलर है फिर उससे ग्रेटेस्ट आपको देखना है तो फिफ्टीन फिर आ जाएगा एटीन एंड फिर लास्ट में आ जाएगा ट्वेंटी नेक्स्ट है सेवनटीन नाइनटीन ट्वेल्व एंड फोरटीन इनमें सबसे स्मोलेस्ट जो है आपके पास वो है ट्वेल्व फिर उससे ग्रेटेस्ट अपने को लेना है फोर्टीन फिर नेक्स्ट आ जाएगा सेवनटीन एंड देन आ जाएगा नाइनटीन ट्वेल्व फोर्टीन सेवनटीन एंड नाइन्टीन फिफ्टीन ट्वेल्व सेवनटीन एंड नाइनटीन में आपको चूज करना है हुई हुई स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट ट्वेल्थ स्मॉलेस्ट है फिर नेक्स्ट इससे आपका ग्रेटर फिफ्टीन एंड देन सेवनटीन एंड लास्ट नाइन्टीन तो आपका अरेंज कर लोगे ट्वेल्व फिफ्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन नंबर फोर सिक्सटीन थर्टीन ट्वेंटी एंड इलेवन इसमें आपको चूज करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हु इज स्मॉलेस्ट नंबर इलेवन इज स्मॉलेस्ट ऑल ऑफ देम इन सब में सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट जो है वो है इलेवन एंड ग्रेटेस्ट uh, उससे जस्ट ग्रेटेस्ट आने वाला है इसमें थर्टीन फिर नेक्स्ट आ जाएगा सिक्सटीन एंड लास्ट में आ जाएगा ट्वेंटी तो आंसर हो जाएगा इलेवन थर्टीन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी नेक्स्ट है फिफ्टीन ट्वेल्व इलेवन एंड फोर्टीन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास हो जाएगा इलेवन एंड देन ट्वेल्व फोर्टीन एंड फिफ्टीन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन एंड फिफ्टीन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू राइट द गिवन नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में इसको लिखना है डिक्रीजिंग घटता हुआ क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कैसे अरेंज करते हैं डिसेंडिंग में होता है सबसे पहले आपको इसमें ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना होता है फिर उससे स्मॉलेस्ट उससे उस स्मॉलेस्ट ऐसे करते करते लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा मतलब यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलना है बड़े से छोटे की तरफ आपको यहाँ चलना है तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फोर्टीन इलेवन सिक्सटीन एंड सेवनटीन इनमें आपको ये डिक्रीजिंग वाला है डिसेंडिंग वाला है तो आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना है हु इज ग्रेटेस्ट अमंग फोर्टीन इलेवन सिक्सटीन एंड सेवनटीन 17 is greatest number, smallest 16, 14 and 11. Next, 15, 18, 12 and 13. Who is greatest? 18 is greatest number. And then mm, smallest 15, 13 and 12. Next, 12, 14, 20 and 18. Who is greatest? 20 is greatest all of us. इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट है वो ट्वेंटी है फिर उससे स्मॉलेस्ट अपन लेते हैं एटीन फिर आ जाएगा फोर्टीन एंड देन ट्वेल्व नेक्स्ट ट्वेंटी सेवेंटीन एटीन एंड ट्वेल्व हु इज ग्रेटेस्ट ट्वेंटी इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑफ दिज नंबर्स ट्वेंटी फिर आ जाएगा एटीन सेवेंटीन एंड देन ट्वेल्व और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री राइट ट्रू फॉर ट्रू और फॉल्स यदि आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कुछ कंपेयरिंग नंबर दिए गए हैं और उसको आपको देख के बताना है कि बुक में जो दिए गए हैं वो सही है या फिर गलत है यदि जो आपको राइट right लग रहा है तो ट्रू है तो उस पर ट्रू लिख दीजिए और यदि वो फॉल्स है तो उसके आगे देखो यहाँ ब्रैकेट बने हुए हैं उसमें आप फॉल्स रख दीजिए तो जो सही है उसमें ट्रू और जो गलत है उसमें फॉल्स आपको रखना है तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए थर्टीन ग्रेटर दैन ट्वेल्व ये बात राइट है थर्टीन ग्रेटर दैन ट्वेल्व एंड ट्वेल्व ग्रेटर ग्रेटर दैन इलेवन एंड एलेवन ग्रेटर दैन टेन मतलब थर्टीन ट्वेल्व से बड़ा है और ट्वेल्व है वो इलेवन से बड़ा है और इलेवन जो है वो टेन से बड़ा है तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है तो इसमें आप रख दीजिए ट्रू नंबर बी ट्वेंटी

नंबर डी ट्वेल्व स्मॉलर देन फोर्टीन ट्वेल्व जो है वो 14 से स्मॉलर है ये भी राइट है फिर देखते हैं फोर्टीन स्मॉलर देन इलेवन तो ये बात यहाँ पे रॉन्ग हो रही है क्योंकि फोर्टीन जो है वो इलेवन से स्मॉलर नहीं है ग्रेटर है आपको बड़े की तरफ इसका साइन होना चाहिए था लेकिन ये छोटे की तरफ हो रहा है मैंने बताया ना कि इसमें आपको है ना जो साइन रखने होते हैं वो बड़े नंबर की तरफ उसका मुँह खोलना होता है तो ये देखो आपका यहाँ स्मॉल की तरफ मुँह खुला हुआ है इसका मतलब ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया रॉन्ग हो गया तो स्टेटमेंट में आपको रख देना है फॉल्स तो बच्चों आ, अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे फाइव जो है वो आज एकदम कंप्लीट हो चुकी है और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब तक बाय